हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे फ्रेंड्स। और स्लोली स्लोली एक लॉकडाउन अभी खुल रहा है फ्रेंड्स, थोड़े अभी दिवाली भी आ रही है और थोड़ा मार्केट भी थोड़ा उछल रहा है फ्रेंड्स। और आज का एक मॉर्निंग है, बहुत फ्रेश मॉर्निंग है फ्रेंड्स और अच्छा दिन है आज का। सोचा था दोस्तों एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है फ्रेंड्स। वो है जो स्मॉल बजट एक्वेरियम है, मतलब जो बाउल है, छोटे छोटे बाउल्स होते हैं फ्रेंड्स। बाउल का स्टॉक मेरे पास आया है तो मैंने सोचा फ्रेंड्स आपके लिए एक छोटा सा बाउल का सेटअप बना दूं फ्रेंड्स, ताकि आप जब भी आपके घर में जब एक्वेरियम लेते हो, बाउल जब लाते हो, तो उसको सेटअप कैसे करना है और सारी चीजें प्रिकॉशंस इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक मैं सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस हैप्पी फिश एक्वेटिक्स का अगर आप मेंबर नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप एक छोटा सा सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज दोस्तों अभी ये जर्नी बहुत लंबा होने वाला है, वैसे मैं आपको इसके वीडियो के पहले भी बताया था, वीडियो बहुत ये जो जर्नी है बहुत लंबा होने वाला है और सारी चीजें इस वीडियो में इस चैनल के द्वारा मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और मुझे आप कमेंट्स में मेंशन भी कर देना कि आपको आने वाला वीडियो कौन सा देखना है। बिकॉज कैसा है, दो दिन पहले मुझे कमेंट्स आया था कि भैया बाउल का एक वीडियो बनाओ, तो श्योर मैं एक बाउल का वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। सो हैव अ लुक फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, सो मेरे पास कुछ बाउल का सेटअप है, देखिए बताता हूँ आपको। ये जो फ्रेंड्स ये 4 इंच का बाउल है, 6 इंच का बाउल है, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच एंड 12 इंच। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स एक इसका सारे बाउल्स का मैं आपको खूबियाँ भी बताऊंगा, कौन सा बाउल कौन से फिश के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, कस्टमर के बहुत जंबल हो जाते हैं, उनका बजट बहुत कम होता है और बजट कम होने की वजह से वो छोटे बाउल में बड़े बड़े फिश रख देते हैं या तो फिर ऐसे फिश रखते हैं कि वो सूट नहीं होता है और दूसरे तीसरे दिन उनके फिश मर जाती है। 4 इंच का बाउल है, 4 इंच का बाउल कौन से फिश आएंगे फ्रेंड्स इसमें। जो ये 4 इंच का बाउल है फ्रेंड्स, ये 4 इंच के बाउल में आप सिर्फ फाइटर फिश रख सकते हैं, जो बेटा फिश रख सकते हैं। बेटा फिश का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये दिस बाउल इज यूज ओनली फॉर बेटा फिश। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं या बिलो 4 इयर्स, बिलो 5 इयर्स के जो बच्चे हैं, आपको फॉर्मेलिटी के लिए फिश रखना है, तो श्योर एंड श्योर आप ये ला सकते हैं, ये बाउल रख सकते हैं। और साथ ही साथ में इसे छोटा सा बेटा फिश आता है फ्रेंड्स, बेटा फिश का सारा एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा आपको, इसका प्रिकॉशन कैसा है सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल तो इस वीडियो में मैं भी बाउल कवर कर रहा हूँ। तो ये 4 इंच का बाउल बेटा फिश के लिए है, बाद में फिर 6 इंच का बाउल है, ठीक है, 6 इंच का बाउल है, इसमें आप जेब्रा रख सकते हैं, टेटरा, अपना ब्लू नियॉन टेटरा रख सकते हैं, कार्डिनल टेटरा रख सकते हैं, टेटरा वेराइटीज रख सकते हैं, या तो फिर आपको रखना है गोल्ड फिश रखना है तो गोल्ड फिश मत रखिए इसमें। बिकॉज गोल्ड फिश कैसा है, बड़े होने वाली फिश है और इसमें ग्रोथ नहीं होगा उसको, गोल्ड फिश का थोड़ा नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए तो गोल्ड फिश सुटेबल नहीं होगा इसमें। आपको रखना ही है तो फिर आप गप्पीज रखिए या तो फिर आप रेड आई टेटरा रखिए, वीडियो टेटरा रखिए, ऐसे फिश रखिए जो बड़े नहीं होते हैं फ्रेंड्स और विदाउट ऑक्सीजन। बिकॉज इसमें कैसे आप ऑक्सीजन इतना सफिशियंट नहीं रख पाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे भी आप तो फिर वो प्रॉपरली इसका फिल्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो वो बाउल ये आपको गोल्ड फिश वगैरह नहीं रखना है इसमें। और इसके बाद आता है फ्रेंड्स, ये 6-8 इंच का बाउल है, इसमें आप 2 गोल्ड फिश रख सकते हैं, 2 गोल्ड फिश के ऊपर नहीं रखना है आपको। बिकॉज क्या होगा, गोल्ड फिश आप रखेंगे वो कंजेस्टेड हो जाएगा, ज्यादा प्लांट्स भी नहीं रखना है, प्लांट्स एक रखो नहीं तो मत रखो, इसमें थोड़ा ग्रैनुल्स रखो। पानी आपको 2 इंच इतना आपको इतना पानी रखना है, ज्यादा भर के नहीं रखना है। और खास बात एक प्रिकॉशन आपको बताना चाहूंगा, कौन सा भी बाउल हैंडल करते हो तो कभी भी ऐसा नहीं पकड़ना है इसको, कभी भी ऐसा जब आप ऐसे पकड़ेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, ये जो बैंगल है, ये जो बैंगल है, ये बांगड़ी बोलते हैं उसको, ये पूरा हाथ में आ जाएगा आपको और एक्वेरियम बाउल आपका नीचे गिर जाएगा। तो आपको कभी ऐसा नहीं पकड़ना है, जब भी आपको वाटर चेंज करना है तो दोनों हाथ से नीचे से पकड़ना है ऐसा, ताकि ये फूटेगा नहीं फ्रेंड्स। बिकॉज इसमें ये बहुत सेंसिटिव होता है, कागज जैसा एक पतला सा लेयर होता है, इसमें थोड़ा सा भी आप क्रैक हो जाता है तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्रैक हो जाएगा और आपको फेंक देना पड़ेगा। तो आप थोड़े से प्रिकॉशंस लेंगे तो आपका जो बाउल है बिल्कुल खराब नहीं होगा। उसके बाद आता है 10 इंच का बाउल, 10 इंच का बाउल है, यस, दिस बाउल इज यूज फॉर गोल्ड फिश, ऑल काइंड ऑफ फिशेस। इसमें आप एक्वास्केपिंग भी कर सकते हो, लाइव प्लांटेशन भी कर सकते हो, बाद में फिर आप लाइट लगा के फाइटर फिश, बेटा फिश भी रख सकते हो, या फिर आप घर में कोई किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लकी ड्रॉ है, तो बहुत से कस्टमर मेरे पास लकी ड्रॉ के लिए लग जाते हैं, इसमें चिट्ठिया वगैरह डालते हैं, लकी ड्रॉ निकालते हैं, तो मल्टीपल यूज के लिए है ये बाउल। और साथ ही साथ में बताना चाहूंगा, इसमें गोल्ड फिश है, इसका फिल्ट्रेशन भी आएगा, फिल्टर भी आता है इसमें, स्टोन्स भी आता है, इसका सारा सेटअप मैं इस वीडियो में करके बताने वाला हूँ आपको। तो ये थोड़ा बड़ा सा इसका है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा और फ्रिज के ऊपर या टिपॉय के ऊपर कॉर्नर में रखना है आपको, और इतना हेवी बजट भी नहीं है, बहुत कम बजट है। और इसके बाद आता है 12 इंच का बाउल, 12 इंच का बाउल, ये एक 12 इंच मतलब 1 फीट का बाउल है, ये 1 फीट के बाउल में आपको
मैं सारे आप इस सेटअप करके बताने वाला हूँ, ताकि जितने भी मेरे यूजर्स हैं, जितने भी मेरे कस्टमर्स मेरे शॉप पे आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेटअप कैसा रखना है, क्या करना है, तो बहुत इजीली लैंग्वेज में मैं आपको एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, तो मेरे पास अभी थर्माकोल है, बहुत मुश्किल से मिला है फ्रेंड्स, दो साल या ढाई साल से बैन है थर्माकोल यूज़ करना, तो मुझे लकीली मिल गया है, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा स्टॉक आता है बाउल का स्टॉक, जिसमें जो थर्माकोल डाल के देते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो थर्माकोल मुझे मिल गया है। सबसे पहले मैं इसको शेप दूंगा, बिकॉज अभी कुछ भी शेप नहीं है, तो मैं अभी सबसे पहले इसको शेप देने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, थर्माकोल को शेप दे दिया मैंने। ये क्यों देना है फ्रेंड्स, बिकॉज आप जब ये बाउल रखने वाले हैं, तो आपको डायरेक्टली फर्सी के ऊपर या फिर डायरेक्टली आपको किसी के ऊपर नहीं रखना है, सरफेस के ऊपर नहीं रखना है। बिकॉज क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी आप पानी भरेंगे बाउल में, पानी भरने के बाद इसका जो वजन है बहुत बढ़ जाता है फ्रेंड्स, और बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो ग्लास है क्रैक हो सकता है। तो क्रैक ना हो सेफ्टी पर्पज़ के लिए 100% ये कंपलसरी है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, कंपलसरी है आपको थर्माकोल यूज़ करना है। थर्माकोल आपको ऐसा रखना है, ठीक है, लाइक दिस। अभी क्या करना है मैं आपको पूरा सेटअप करके बताऊंगा। सबसे पहले अभी थर्माकोल डाला है, बाउल रखा है, उसके बाद मेरे पास स्टोन्स है, ये 1 kg स्टोन्स है मेरे पास, 1 kg स्टोन्स है। स्टोन्स डालने के पहले मेरे पास एक फिल्टर है, बाउल का एक फिल्टर आता है फ्रेंड्स, बाउल का फिल्टर भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि जब भी आप बाउल लेते हो, फिश डालते हो, तो आपका पानी गंदा नहीं होगा। फिल्टर प्लस ऑक्सीजन, वो सारा सेटअप मैं आपको करके बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये फिल्टर है, ये देखिए, फिश बाउल फिल्टर किट ऐसा एक आता है, फिश बाउल फिल्टर किट, ये आपको कैसा लगाना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ा 2 या 3 मिनट थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स, ऐसा आपको दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, और किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, आपको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं, सीधा आपको शॉप में जाना और परचेस करके घर में इंस्टॉल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये ऐसा फिल्टर आता है फ्रेंड्स, और एक रॉड है, ये नेट है, नेट आपको क्या करना है, बॉटम में रखना है, बाउल के बॉटम में रखना है, और ये जो रॉड है, रॉड का ही निकलता भी है, ये ऐसा लगाना है, और यहाँ पे एक ऐसा एक लगाना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सीधा हम एक्वेरियम में जाने देंगे, ऐसा बॉटम में, लाइक दिस, ये देखिए बॉटम में गया। अभी इसके बाद क्या करना है अपने को, सबसे पहले ये हमने फिल्टर लगा दिया है, फिल्टर लगाने के बाद एक एयर पंप लगेगा, जो ऑक्सीजन का पंप आता है, एयर पंप लगाएंगे, एयर पंप का पाइप हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे ऐसा, देखिए ये जो नेट है, नेट बॉटम में रहने वाला है, ये जो रॉड है, रॉड यहाँ पे ऐसा लगेगा, और यहाँ पे देखो कार्बन दिया है, कार्बन दिया, स्पंज दिया है, मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, यह मैंने ऑक्सीजन का पाइप है ना इसमें डाला है, यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया है कंपनी ने, तो क्या कुछ भी नहीं, सिंपल लॉजिक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से जब बाहर निकलेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी फ्लो हो जाएगा, वाटर फ्लो होगा, और फिर बाद में ये जितना भी नेट है, नेट के अंदर पूरा गंदगी, अब उनके फिश टैंक का जो जितना भी डर्ट है, वो बॉटम ऑफ द बाउल में वो जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद ऊपर का जो पानी है पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी रहेगा फ्रेंड्स, और बिलीव मी दिस इज 100% वर्किंग फिल्टर, और एक भी कस्टमर वापस नहीं आया है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा क्वालिटी है, कोई खराब होने का टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं सारा आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। तो ये जाएगा एक्वेरियम के अंदर ऐसा, और फिर आप कहेंगे कि अभी सेटल नहीं हो रहा है, हिल रहा है, तो उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास एक ऑप्शन है कि ये ग्रैन्यूल्स है, ये फिल्टर दिखने वाला नहीं है, ये सीधा हम जो स्टोन्स के अंदर उसको हम छुपा के रखने वाले हैं। तो ऐसा करके, और जब भी आप स्टोन्स रखेंगे तो ऊपर से डालना नहीं, ऊपर से आप डालेंगे स्टोन्स तो क्रैक हो जाएगा, तो नीचे आपको ये कैसा रखना है, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही करना है आपको। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए फिल्टर मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, और स्टोन्स भी इसमें देखिए, मतलब अंदर की जो नेट है ना फ्रेंड्स, वो दिखेगा नहीं, और वो पूरा डर्ट और जम्स पूरा खींच लेगा बॉटम में, और यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन आने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन आने वाला है, ये ऑक्सीजन का पाइप है, अभी मैं एयर पंप लगाने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो इसको फिल्टर चालू करने के लिए एयर पंप लगने वाला है, तो एयर पंप मैंने अनबॉक्स किया है, न्यू एयर पंप,
ये एयर पंप है, एयर पंप का एक एक फिल्टर को लगाया हमने और एक जो है यहाँ पे लगेगा ऐसा, ठीक है ऐसा। और यहाँ पे यहाँ से मैं क्या करूँगा इसको कनेक्शन ऑन कर दूंगा। तो मैंने एयर पंप लगा दिया है, एयर पंप ऑन कर दिया है। एयर पंप ऑन करने के बाद इसमें दूसरा एक आउटपुट जा रहा है, यहाँ पे अभी ऑक्सीजन प्लस फिल्टर चालू होने वाला है। अभी तक मैंने पानी नहीं डाला है इसमें, तो वाटर में डालने वाला हूँ। एक साइफन पाइप है, साइफन पाइप का भी कैसा यूज़ करना है इसका वीडियो मैंने एक प्रीवियसली वीडियो में डाल दिया है, तो आप वो देख लीजिए हाउ टू यूज साइफन पाइप। तो इस साइफन पाइप मैं अनबॉक्स करूँगा और इस बाउल को फिल कर दूँगा। यहाँ पे ऐसा डाला है मैंने और ये बस दो बार पुश करूँगा, वन और टू। ये देखिए पानी चालू हो गया, ये गला रखो, ये भरता है गला रखो, लड़ू ना पड़ो, जबड़ नहीं पाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स थर्माकोल है, थर्माकोल के नीचे हमें उसके ऊपर हमने बाउल रखा है, बाउल के बाद सबसे बॉटम में फिल्टर रखा है, फिल्टर के बाद उसको स्टोन से कवर किया है। अभी हम वाटर डाल रहे हैं और एयर पंप मेरा अभी चालू है, तो अभी थोड़े थोड़े स्लोली स्लोली बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद इसको लिक्विड डालना है और फिर लिक्विड डालने के बाद फिश ऐड करेंगे हम और वो फाइनल स्टेज में ये कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए ज़्यादा पानी भी नहीं लगता इसमें। जो कस्टमर के घर में फ्रेंड्स टनल का पानी रहेगा, बोरिंग का पानी रहेगा, तो रिकमेंड करूँगा बोरिंग का पानी यूज़ मत कीजिए। जो कॉरपोरेशन का पानी आता है ओल्ड वाला, तो तीन चार दिन पुराना पानी यूज़ कीजिए। और कैसा होता है फ्रेंड्स, अगर आप बोरिंग का पानी यूज़ करेंगे तो जो बाउल है उसमें वाइट वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, तो एक अनदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है वाइट स्पॉट्स का। तो उसको निकालना कैसा है क्या है उसका भी मैंने सॉल्यूशन इस वीडियो में डाल दिया है प्रीवियसली वीडियो में, वो भी वीडियो आप देख लीजिए हाउ टू रिमूव द वाइट स्पॉट्स ऑफ योर एक्वेरियम। देखिए पानी इतना भरना है आपको, दो फिंगर छोड़ के पानी भरना है। देखिए मेरा ऑक्सीजन काम करना चालू कर दिया है लाइक दिस। पूरा फिल नहीं करना है फ्रेंड्स, पूरा फिल बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैं क्या करूँगा इसमें एक छोटा सा एक नेचुरल लुक के लिए मैं छोटा सा एक इसमें एक प्लांट डाल दूंगा। तो प्लांट है मेरे पास, एक मिनट, खाली खाली बाकून देना। ये देखिए यहाँ पे मैं भी प्लांट्स डाल रहा हूँ, ऐसा थोड़ा नेचुरल लुक आ जाएंगे इसमें। और फिश को क्या होगा नेचुरल फील होगा। और ये पानी डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें जो कंडीशनर है वो भी डालना है, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया ऑलरेडी, वो भी आप देख लीजिए। तो कंडीशनर में मैं दो लिक्विड डालूंगा, एक एंटी क्लोरिन डालूंगा और एक एंटी फंगस डालूंगा। तो एंटी क्लोरिन एंटी क्लोरिन है वाइट लिक्विड है, एंटी फंगस है ब्लू लिक्विड है। ये क्लोरिन कम करेगा पानी का और ये बैक्टीरियाज कम करेगा, किल कर देगा पानी में। तो ये जो है मैं टू कैप्स डालूंगा और ये जो है वन कैप डालूंगा। प्रॉपरली डालना है फ्रेंड्स, आपको ज्यादा नहीं डालना है, वन टू। ये हो गया मेरा एंटी क्लोरिन एंड दिस इज द एंटी फंगस। ये एक ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका वाटर पूरा ब्लू हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग भी नहीं करना है। देखिए इतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, ऐड कर देना है वाटर। देखिए थोड़ा सा ब्लू हो रहा है और मैं रख दूंगा, अभी काम हो गया मेरा। नाउ द वाटर इज कंडीशनर। अभी इसके बाद क्या करेंगे, दो मिनट रुकेंगे, ये वाटर पूरा सर्कुलेट होने देंगे। सर्कुलेट होने के बाद हम इसमें फिश ऐड करेंगे। फिश अभी इसमें कौन से भी फिश डाल सकते हैं आप, गोल्ड फिश डाल सकते हैं, कौन से भी टेट्रावेरिटी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी गोल्ड फिश का पेयर है, मैं गोल्ड फिश का पेयर डाल दूंगा इसमें। देखिए फ्रेंड्स ये ओरंडा गोल्ड फिश है, ओरंडा गोल्ड फिश और दिस फिशेस। अभी देख लीजिए फ्रेंड्स पूरे सेट है और वाटर भी कंडीशनर है, फिल्टर भी लगाया, ऑक्सीजन भी लगाया। और वाटर में अभी इस बाउल के अंदर हाथ नहीं डालना है फ्रेंड्स, बाउल के अंदर अगर आप हाथ डालेंगे तो इसमें और जो है केमिकल है अपने बॉडी लोशन वगैरह हाथ में लगा हुआ है वो चले जाता है और फिश मर जाती है आपकी। तो ये केमिकल बहुत डेंजरस है फिशेस के लिए, पानी में बिल्कुल हाथ नहीं डालना है। और रात में क्या करना है, कुछ ढक के आपको रख देना है, बिकॉज क्या होता है मेरे टाइम से फिश जंप कर देती है, सुसाइड कर देती है और मर जाती है। तो इसका कैप भी आता है, मुझे अभी गोल्ड फिश के लिए रिकमेंड नहीं लग रहा है कैप, तो इसमें कैप आ जाता है 50-60 रुपए का कैप मिल जाएगा मार्केट में आपको, तो कैप ऊपर से लगा सकते हैं आप।
इसके इस वीडियो में हमने देखा है फ्रेंड्स कि हाउ टू इंस्टॉल अ बाउल एट योर होम, और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। और ये फिल्टर है, मैं क्या करूंगा अभी, मतलब एक महीना पानी गंदा नहीं होगा मेरा, एक महीने के बाद मैं निकालूंगा, वॉश करूंगा, वापस से डालूंगा। और ज्यादा फूड नहीं डालना है फिश का, आपको दो कोरंडा फिश है तो 15 to 20 आपको छोटे छोटे दाने डालना है, ज्यादा ओवर फीडिंग नहीं करना है, 2 times फीड करना है आपको, मॉर्निंग में और नाइट में। और एक टाइम फिक्स करना है आपका, जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो तब फूड डालना है, और जब भी आप डिनर करते हो तब आपको फूड डालना है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप इसका रूटीन नहीं रखेंगे तो इनका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा तो इनका जो लाइफ साइकिल है प्रॉपरली रूटीन में नहीं रहेगा, और फिर ये स्ट्रेस में चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो गोल्ड फिश कभी भी नेचुरल एनवायरमेंट में रहना चाहिए। तो आज का वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर बताना है तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा फ्रेंड्स। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।